मैं हूँ चंद्रदेव बर्नवाल, दैनिक लाइव न्यूज 24 चैनल से। अभी हमारे साथ लोजपा जिला युवा सचिव नरेश प्रसाद वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो चकाई के रह चकाई से इनका मकान पड़ता है, और एक लोजपा नेता जो बहुत पहले से जदयू में रहते थे, राजीव रंजन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं, ये हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र से लोजपा कैंडिडेट संजय प्रसाद खड़े हैं, इनके लिए इन लोगों ने क्या कहना चाहते हैं। सर आप बताइए, यहाँ से जो देखिए, जो हमारे चकाई विधानसभा की स्थिति है, जनता में एक इस तरह का माहौल बन गया है कि पूर्व से जो जितने प्रतिनिधि आए बने और रहे, एक नया उम्मीदवार को देख करके, एक जुझायु नेता की तरह देख करके, इनकी साफ छवि के लोग हैं और लोग बहुत खुश हैं। ऐसे लग रहा है कि इनकी स्थिति सभी से बहुत आगे है। तो सर, जनता इनको मतलब पूर्ण रूप से चाह रही है कि चकाई विधानसभा को बदलाव करें। जी जी, परिवर्तन के लिए तो लोग एकदम टूट पड़े हैं, सभी जाति धर्म का लोग। तो ऐसा सर आप बताइए, जैसे हमारे चकाई विधान क्षेत्र में अभी भी ऐसा है, पानी की सुविधा है नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था में कमी है, तो आप बताएं, आप इनके खास आदमी हैं, क्या ये पूर्ण करेंगे जितने के चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल, इन पर पूरा भरोसा किए हुए हैं। माननीय सांसद चिराग पासवान जी का कार्यकलाप देखते हुए लोग, पूरी जनता खुश हैं, और उस स्थिति को देखते हुए संजय कुमार मंडल जी के प्रति लोग पूरा दिल से एकदम टूट गए। ठीक है, अच्छा आइए जानते हैं, यहाँ पे आप राजीव रंजन वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो काफी दिनों से राजद में, ये जदयू में रह चुके हैं, वो अभी लोजपा में शामिल हैं और पूरे तन मन के साथ शामिल हैं। तो आइए जानते हैं सर, एक चीज आप बताएं कि हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र में किसानों के सिंचाई की व्यवस्था कमी होने के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे ये जो वर्षों से बंद है बरनार जलाशय योजना, अगर वो पूरा हो जाता है तो किसानों को जाऊ हो जाएगा। तो सर इसमें आप बताएं कि अगर ये संजय बाबू जी चुनाव जीतते हैं तो क्या ये प्राथमिकता के आधार पर बरनार जलाशय योजना को चालू कराएंगे? बिल्कुल चंद्रदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और ये जो मुद्दा बरनार जलाशय योजना, हम समझते हैं कि जितने भी नेता चकाई में आए हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो पूर्व के विधायक रहे हो या स्थानीय विधायक रहे हो, बरनार जलाशय योजना को एक मुद्दा बनाकर ये लोग चुनाव जीतते हैं। और उस लेवल पे बरनार की ओर कभी इन लोगों ने कार्य करने का नहीं सोचा, शायद इसलिए भी नहीं सोचा होगा कि अगर बरनार बन जाएगा फिर इनके पास मुद्दा नहीं रहेगा। तो हमारे स्थानीय सांसद जो हैं चिराग पासवान जी, जब लोकसभा से जीत के आए तो इन्होंने बरनार जलाशय योजना पे बहुत अधिक कार्य किया है। उनका DPR तैयार करवाना, बरनार जलाशय योजना की जमीन उपलब्ध कराना, उस दिशा में इनका काफी कारगर कदम साबित हुआ है। हमको लगता है ये लॉकडाउन नहीं होता या कोरोना जैसी महामारी नहीं होती तो बरनार जलाशय योजना में कार्य प्रगति पे होता। तो निश्चित रूप से ये सांसद जी का विजन है, और हमारे संजय कुमार मंडल जी जब विधायक बनेंगे तो एक स्थानीय नेता होने के नाते, चूंकि इनको किसान का बेटा है, इसको पता है कि सिंचाई की कितनी आवश्यकता है, चकाई और सोनों के लोगों को है, इनके जानकारी है जमीन से, जो हम जमीन से जुड़े लोग हैं, इसलिए संजय कुमार मंडल जी को ये पता है कि बरनार की कितनी आवश्यकता हमारे लोगों को है। तो निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद बरनार जलाशय योजना पर कारगर कदम उठाया जाएगा और उस पर निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा, और चकाई का बेटा, किसान का बेटा होने के नाते पूरी मतलब प्राथमिकता देकर बरनार पर काम किया जाएगा। ठीक है जी, हमारे साथ आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।